ठंड के मौसम में गर्मा गर्म बेसन की मोटी रोटी और सरसों का साग और उसके साथ लहसुन अदरक धनिया की पत्ती और हरी मिर्च की चटनी मिल जाए तो ठंड का मज़ा दो गुना हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्योति देसी किचन में। आज मैंने बनाया है मिस्सी रोटी, सरसों और पालक मिक्स करके उसकी सब्जी बनाई है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरी रेसिपीज पसंद आती, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। मैंने ले लिया है थोड़ा सा पालक और सरसों। आज हम लोग दोनों को मिक्स करके इसकी सब्जी बनाएंगे। आप चाहे तो पालक का भी अलग से जो निमोना बनता है वो भी बना सकते हैं, इसी तरीके से पालक की भी सब्जी बना सकते हैं, बट मैंने दोनों को मिक्स किया। तो सबसे पहले पत्तों को अच्छे से साफ कर लेंगे, 2 से 3 पानी से अच्छे से धो के इसको 10 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। जब तक वो बॉईल हो रहा है तब तक मसाले तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा धनिया, अदरक, 2-3 लहसुन की कलियां, हरी मिर्च लेके थोड़ा सा पानी डाल के इसको बारीक पीस लेंगे इस तरीके से। और फिर जब पालक और सरसों भी बॉईल होकर थोड़ा ठंडा हो जाए, गर्म में नहीं पीसना है, जब ठंडा हो जाए तो इसका पानी अगर ज़्यादा है तो पानी रख दीजिए और बाकी को इस तरीके से बारीक पीस लीजिए। कढ़ाई में 1 से 1.5 चम्मच तेल डालेंगे। इस रेसिपी में बहुत ही कम तेल लगता है, तो थोड़ा सा तेल डाल देंगे, हींग जीरा डाल देंगे। आप चाहे तो जो बड़ी आती बड़ी है ना, घर वाली बड़ी जो होती है वो भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो धनिया मिर्च वाला मसाला डालेंगे। जब ये मसाले में से तेल दिखने लगे थोड़ा सा, तो ये जो हम लोगों ने पालक और सरसों का साग पीसा हुआ था इसको डालेंगे। धीमी आंच पे भूनते रहेंगे। जब तेल दिखने लगे मसालों में से अच्छे से, तब आलू डाल के 3 से 4 मिनट तक इसको भूनने देंगे, ताकि आलू भी हमारे फ्राई हो जाए अच्छे से। जब सब अच्छे से भुन जाए, हल्की सी महक आने लगे, तो नमक डाल दीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी हल्का सा डाल दीजिए, क्योंकि बिना हल्दी की तो सब्ज़ी बनाई नहीं जाती, तो बस नाम के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। अब मैंने तो जो पालक और सरसों बॉईल किया था उसमें पानी ज़्यादा था, तो उसी पानी से ग्रेवी लगा दी है। अगर आपके पास पानी कम है तो अलग से एक्स्ट्रा पानी डाल दीजिए। जितना आपको पतला रखना है उस हिसाब से ग्रेवी, जितना भी आपको चाहिए पानी डाल दीजिए और धीमी आँच पर पकने दीजिए। अब हम लोग बनाते हैं मिस्सी रोटी। तो मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 1 कटोरी लिया है बेसन और 1 कटोरी लिया है कॉर्न स्टार्च। ये मेरे घर पे बना हुआ कॉर्न स्टार्च है, भुट्टा का दाना जो होता है ना उसको पीस के हम लोगों ने बनाया था। तो आपके पास अगर नहीं है तो आप मार्केट से भी ले सकते हैं। तो सबको ऐसे ही पानी डालते हुए सॉफ्ट आटा तैयार कर लेंगे और इसकी थोड़ी मोटी रोटी बनाएंगे। जितनी नॉर्मल हम लोग रेगुलर में बनाते हैं ना, उससे थोड़ी सी मोटी रोटी बनाएंगे और गैस पे धीमी आंच पे सेकेंगे। हालांकि जब ये रोटी चूल्हे पे बनती है ना तो बहुत ही टेस्टी बनती है, बट हमारे यहाँ तो मिलेगा नहीं शहर में चूल्हा, तो गैस पे हम लोग धीमी आंच में इसको धीमे धीमे से पलटते हुए पकाएंगे। रोटी में देसी घी लगाइए, धनिया हरी मिर्च अदरक लहसुन की चटनी बना लीजिए। टेस्टी टेस्टी खाना बन के तैयार है। तो आप लोगों को गांव की याद आई या नहीं, ये जब भी मैं बनाती हूँ ना तो गांव की बड़ी याद आती है। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिए। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।